गाइस, वेलकम टू द माय अनदर ब्लॉग। और आज मेरे को लग रहा था भूख, और उसके लिए अपन ब्रेड खरीदने जाने वाले हैं। तो सोचा ब्रेड खरीदने जाने वाला हूँ और ब्रेड फैक्ट्री को आप लोग को दिखा भी दूंगा, इसी बहाने अपना एक छोटा सा ब्लॉग बन जाएगा। सो अपन चलते हैं फिर। और ये अपने विलेज का एक छोटा सा मतलब फैक्ट्री है जहाँ ब्रेड का मैन्युफैक्चर होता है, और हम लोग यहीं पर जाने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेड कैसे पैकिंग होता है। और सामने कुछ ब्रेड भी पड़ा हुआ है, अंधेरा इससे दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए अपन आगे जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो कितना स्पीड पैकेजिंग यहाँ पे होता है, और आप ये भी देख रहे हो कि इनका हाथ कितने स्पीड चल रहे हैं। और यहाँ पे साफ़ सफाई का भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है ताकि कस्टमर्स को कोई भी दिक्कत ना हो और उनका हेल्थ भी मतलब सही से हो। हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता है और पूरी तरीके से वेज है। हम बात करें इनके सेलिंग के, तो इनका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होने के कारण से काफ़ी दूर दूर तक, मतलब आसपास के जो एरिया हैं, मतलब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे नहीं बोलूँगा मैं, 50-60 किलोमीटर तक इनका प्रोडक्ट जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हो, हमने एक पैकेट उठाया और इस पैकेट का पैकिंग आप देख सकते हो कितना बेहतरीन और कितना सॉफ्ट है। अपना जो एरिया है विलेज एरिया होने के कारण से लाइट की कमी यहीं से पूरा होता है। अब हम इसके अंदर चलते हैं फैक्ट्री के अंदर। काफ़ी बड़ा सा फ्रीजर है जहाँ पे ब्रेड बनाने वाले कुछ ज़रूरी चीज़ों को रखा जाता है, जिसको ठंडा रखना ज़रूरी होता है। देन अब हम लोग देख सकते हैं जो क्रीम रोल में जो क्रीम यूज़ होता है ये वही है, ये दिख रहा है आपको। जैसा कि हम देख सकते हैं बड़ा सा मोटर है जो मतलब क्रीम को मिक्स करने का काम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेड कितना मतलब क्वांटिटी में बनाया जाता है। देख सकते हो ईंट जैसे दिख रहा है, लेकिन ये ब्रेड है, बहुत नॉर्मल और बहुत सॉफ्ट है जो कि अभी भी मैन्युफैक्चर हुआ है। और ये एक बड़ा सा मशीन है जहाँ पे क्रीम मिक्स होता है, और मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ क्या है। ये हम देख सकते हैं इसमें 100% वेज वाला चीज़ मिली हुई है, ये नॉनवेज नहीं है। सो वेज और नॉनवेज दोनों इसको खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिखाता हूँ कि मतलब ये ब्रेड को पकाया कैसे जाता है। सो एक बड़ा सा भट्टा है जिस पे मतलब आग जलते रहती है, और इसको कांच नमक ऐसे करके कुछ कुछ बनाया जाता है। सो अपन पूरा डिटेल नहीं दे सकते इसमें। और एक बड़ा सा चम्मच है जिसमें मतलब एक तावे जैसा कुछ बना हुआ है स्टील की, उसको निकाला जाता है। और देख सकते हैं आप ये ब्रेड है, भट्टा के अंदर से जो निकालने वाला तावा है वो बहुत मतलब लंबा चम्मच की ज़रूरत पड़ता है। सो ये देख सकते हो आप लोग कितना लंबा चम्मच है। ब्रेड फैक्ट्री से बाहर निकल चुके हैं और ब्रेड मैन्युफैक्चर हो रहा है, और अपने को जो ब्रेड चाहिए था वो अभी वो बना नहीं है, उसका मैन्युफैक्चर अभी नहीं हुआ है। और इन भाई लोग बोल रहे हैं कि सुबह मिलेगा, तो अपन सुबह आएंगे उसके लिए। लेकिन फिलहाल अभी मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट करता है। सो धन्यवाद।